नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट क्रिप्टो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है जो क्रिप्टो न्यूज़ के रिगार्डिंग है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो आपको क्रिप्टो में क्या चल रहा है वर्ल्ड में, उससे माहितगार होना ज़रूरी है, अपडेटेड रहना ज़रूरी है, तभी आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या फिर NFT या कुछ भी आपका डिसीजन हो वो गलत ना हो। क्योंकि न्यूज़ पे शेयर बाजार, क्रिप्टो, फॉरेक्स वो सभी आधार रखते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं ऐसी वीडियो के लिए जो कि आपको क्रिप्टो के बारे में अपडेटेड करती रहेगी। सबसे पहली न्यूज़ है, कार्डानो की तरफ से आई है कि 24 आवर्स का ट्रांजैक्शन उन कार्डानो का सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग है उनकी। उन्होंने इथेरियम और लाइटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया है। अगली जो न्यूज़ है, मैक्सिकन सेनेटर ने क्रिप्टोलो को लाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर चाहिए। अगली न्यूज़ में, बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर ने बैंकिंग विभाग को, ट्रेडिशनल बैंकिंग विभाग को वार्न किया है कि क्रिप्टो एसेट अगर बढ़ गया तो हमारे बैंकिंग सेक्टर को खतरा है। अगली न्यूज़ में, इंडिया की एडवर्टाइजिंग काउंसिल ने एक क्रिप्टो गाइडलाइंस जारी की है, उसी के तहत ही अभी आप क्रिप्टो की कोई भी एड को देख पाएंगे। तो वो 15 अप्रैल से लागू हो जाएंगे सारे रूल्स, जो कि हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि फेक न्यूज़ हमें कम मिलनी शुरू हो जाएगी। अगली न्यूज़ में, जॉर्जिया के जो बिटकॉइन माइनर है उन्होंने अपने साथियों को पीछे छोड़ दिया है। अगली न्यूज़ में, कार्डानो अडा को 47,000 टाइम्स मोर एनर्जी एफिशिएंट देन बिटकॉइन बताया गया है कि बिटकॉइन से मोर एनर्जी एफिशिएंट है कार्डानो। अगली न्यूज़ में, रशिया के फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बिटकॉइन रेगुलेशन के लिए एक प्रपोजल रखा है। नेक्स्ट न्यूज़ में, गनर कुक जो कि यूके की लॉ फर्म है, कायदा की यह फर्म है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। अगली न्यूज़ में, थर्ड रिचेस्ट बिलियनर्स, मेक्सिको के थर्ड रिचेस्ट बिलियनर है, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को बाय करो, डोंट सेल। उनका नाम रिचार्डो सालियन पेगो है। अगली न्यूज़ में, जो साल्वाडोर है उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 30% बिटकॉइन को रेज किया है आफ्टर दे लीगल टेंडर द बिटकॉइन। बिटकॉइन को जब उन्होंने लीगल टेंडर किया उसके बाद उन्होंने 30% बिटकॉइन रेज किए हैं। अगले न्यूज़ में, न्यूयॉर्क सिटी में सोलाना NFT के सेलिंग के लिए एक ये मशीन भी लगाई गई है। अगली न्यूज़ में, ऑन चेन डेटा से पता चला है कि अब भी बिटकॉइन के जो होल्डर है वो ऑल टाइम हाई हो चुके हैं। अगली न्यूज़ में, प्रेसिडेंट बिडेन क्रिप्टो पे एक कार्यकारी आदेश जारी करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। अगली न्यूज़ में, कोरिया की बैंक कुक मिन ने क्रिप्टो ETFs रिलीज किए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में, दुबई में एक रेस्टोरेंट ने डॉग कॉइन की थीम पे एक पूरा रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। ठीक है, दुबई लॉन्च फर्स्ट डॉग कॉइन थीम द रेस्टोरेंट। और लास्ट न्यूज़ में, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा था उसकी कुछ देर पहले BTC $39,000 को टच करके, यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट, हाई 39,000 के करीब आया है एकदम। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे सभी के लिए। ऐसी ही न्यूज़
हर रोज जानने के लिए ऑल अबाउट क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बाउंटी, एयर ड्रॉप और प्रोजेक्ट डिटेल के वीडियोस भी आपके लिए लेके आते हैं। ये सब प्रोजेक्ट डिटेल के वीडियो हैं। अगर आपको ये नए आने वाले प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो न्यूज़ हम कुछ इस तरीके के वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, बाउंटी के लिए, नए न्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट नाउ थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।